हे गाइस, केम छो, मजा में छो? आप लोग सब कैसे हैं? मैं इसलिए पूछती रहती हूँ क्योंकि मुझे आप सब लोगों की फिक्र है। आप सब मेरे फैमिली की तरह ही तो हैं। अच्छा गाइस, मेरे वीडियोस देखा कि जब देखते हैं ना तो स्किप मत किया कीजिए, और पुराने वीडियोस भी देखा कीजिए। थर्ड पार्टी के रिलेशन में ही हैं वो, थर्ड पार्टी रिलेटेड ही हैं वो, आप वो भी देखा कीजिए, ठीक है? और पर्सनल रीडिंग में मैंने काफ़ी डिस्काउंट दिया है, तो आप वो भी बुकिंग करवा लीजिए। उसकी भारी मात्रा में बुकिंग हो रही है, हो सकता है मैं उस टाइम फ्री हूँ जब आप मेरे को पेमेंट कर दें या आप रीडिंग के लिए बोलें, तो मैं उस टाइम भी कर सकती हूँ आपकी रीडिंग, अगर मैं फ्री होंगी तो। ठीक है गाइज, और लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन को दबाते हुए जाइएगा, ठीक है? और किसी को अगर टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स करना हो बेसिक, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली है, ये मैं पहले से ही बता दूं। जो लोग सीरियस हैं सीखने के लिए वो ही मेरे को मैसेज करें, और जो पर्सनल रीडिंग सीरियसली करवाना चाहते हैं, और डिस्काउंट भी है और बुकिंग भी हो रही हैं और मैं फ्री होंगी तो आपकी रीडिंग भी कर दूंगी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन को दबा दीजिए, जब तक मैं आपको नया वीडियो बताती हूँ क्या है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक होने वाला है कि आप उनके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, यानी कि वो पर्सन जो भी हैं वो आपके दिमाग से क्यों नहीं जा पा रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगी, ये रीडिंग टाइमलेस भी होगी। जब आप टाइमलेस का मतलब होता है जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपको रेजोनेट होनी शुरू हो जाएगी, चाहे 2 साल बाद देखें, 20 साल बाद देखें, 2 महीने बाद देखें, 2 हफ्ते बाद देखें, ठीक है? और जिनको ये रेजोनेट होती है वो रख लें, जिनको नहीं होती हो वो छोड़ दें, वो दूसरों के लिए रहने दें, और आप लोग एंजॉय करें इस रीडिंग को, ठीक है? तो देखते हैं क्या है। ये सभी साइंस के लिए हैं, एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, और सारी राशियां हैं इसमें। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनाई, सारी ही, लगभग सारी ही राशियों की रीडिंग है ये, और सभी सिचुएशंस के लिए हैं, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, डिवोर्सी हैं, ये रीडिंग उन सभी के लिए है जिनसे ये रेजोनेट होगी। चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो आपके दिमाग से हट क्यों नहीं पा रहे हैं वो, आप क्यों इतना सोच रहे हैं उनके लिए, तो चलिए हम करते हैं शफलिंग ऑफ कार्ड्स। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स कि आप उनके बारे में, मेरे व्यूअर्स उनके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, बताइए यूनिवर्स, टेल मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, गाइड कीजिए एंजल्स मुझे, डिवाइन गॉड्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। तो पहला कार्ड आया है 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन बेल बटन को दबा दीजिए फ्रेंड्स, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ। थैंक यू, जो लोग नए आए हैं वो भी दबा दीजिए, थैंक यू। 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, और बॉटम की एनर्जी में आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है? तो रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो यहां हम आपको देख के बताते हैं कि आप उनके बारे में इतना सोच क्यों रहे हैं, वो आपके दिमाग से जा क्यों नहीं पा रहे हैं। व्यूअर्स, पहली बात तो मुझे काफी स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन होगा, सोलफुल जर्नी में हैं आप अभी, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। क्या आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, कि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, ये मुझे दिख रहा है। यहां पर मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है कि आपके पर्सन ने आपके साथ यू नो पास्ट लाइफ कनेक्शन है,
आपके पर्सन का आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का, मुझे कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का यहाँ लग रहा है। यू नो, आपकी पुरानी जिंदगी से इनका कनेक्शन हो सकता है, आप सोलमेट्स हो सकते हैं और आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का कनेक्शन यहाँ दिख रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। फिलहाल ये जो पर्सन है इनसे आपकी बात नहीं हो रही है ना गाइस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अभी आप, क्योंकि आपको ये पर्सन झूठे, धोखेबाज और मक्कार, चीटर लग रहे हैं। ये सारी क्वालिटीज है आपके पर्सन में, झूठे हैं, धोखेबाज हैं, मक्कार हैं, चीटर हैं, और आपको लग रहे हैं ये सारी चीजें, ऐसा आपको लग रहा है। ठीक है, आप इनके बारे में सोच तो रहे हो, लेकिन आप इनके बारे में यह सोच रहे हैं कि आपको धोखा दे सकते हैं या ये आपको धोखा दे रहे हैं। आखिर ये झूठे हैं, मक्कार हैं, ओके, धोखेबाज तो है ही, ये धोखा तो दे ही रहे होंगे आपको, आप ऐसा सोच रहे हैं इनके बारे में। मैं ये नहीं कह रही कि आप नेगेटिव होकर सोच रहे हैं, आपको ये सच में ऐसा लग रहा है कि ये धोखा दे रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, चालसाजी कर रहे हैं आपसे, ये आपको सच में लग रहा है। अब चाहे वो कोई मेल हो या फीमेल हो, मर्द हो या औरत हो, आप उनके बारे में इतना इसीलिए सोच रहे हैं व्यूअर्स, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पिछले जन्म का रिश्ता है आप लोगों का। दूसरा ये है कि आपने जब भी इन्हें एफर्ट डालने की कोशिश करी, इनको कुछ ऑफर करने की कोशिश करी, इन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया है। बार बार मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो बार बार एफर्ट करता है, ऑफर करता है, उनको मनाने की कोशिश करता है, उनको अपना प्यार एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, मगर वो ये सब कुछ रिजेक्ट कर देते हैं, ठुकरा देते हैं। पर इसी वजह से आपके मन में पेन है, दर्द है बहुत आपके मन में, कि वो आपका प्यार का ऑफर क्यों नहीं ले रहे, क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों ठुकरा रहे हैं, तो आपको इस बात का दर्द है। आपके मन में दुख है, तकलीफ है, क्योंकि आपका तो इनसे स्पिरिचुअल बॉन्ड है और उनका भी है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है ये है कि आपको ये कनेक्शन रियलाइज हो गया है और उन्हें कनेक्शन रियलाइज नहीं हुआ है। ओके, आपको तो पता चल गया है कि आपके लिए वो हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चला कि आप उनके लिए हो, रियलाइजेशन नहीं हुआ है बेसिकली। ओके, वो अभी भी इसी एनर्जी में है कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, और आपको आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन रियलाइज हो गया है, इसीलिए आप एक स्टेप ऊपर जा चुके हैं। यहाँ पर कप्स की बहुत एनर्जी है व्यूअर्स, कप की बहुत एनर्जीज है, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, बहुत एनर्जी है। देखिए, मैं इसके बारे में कह रही थी आपसे, फोर ऑफ कप्स के बारे में कह रही थी मैं आपसे, आपने अपने पर्सन को कई बार ऑफर किया है, लेकिन आपके पर्सन ने आपके प्यार को ठुकरा दिया है। अब ऐसी बात नहीं है कि आपके पर्सन ने कभी आपसे बात नहीं की या आपको कभी कोई ऑफर नहीं दिया है, नहीं, उन्होंने भी आपसे बातें की हैं, लेकिन इन बातों में अंतर क्या है, वो ये है, उसी वजह से आप इनके बारे में इतना सोचते हैं। आपके दिमाग में ये पर्सन हरदम रहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि आप इन्हें जो ऑफर करते हैं, आप इनको जो प्यार करते हैं, वो आप सीरियस लेवल पर करते हैं। एक सीरियस रिलेशनशिप, एक सॉलिड रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप चाहते हैं इनसे, ठीक है, जिसमें हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट हो, आप कमिटमेंट चाहते हो इनसे, एक सॉलिड कमिटमेंट, एक स्ट्रांग प्रपोजल, यानी कि आप बहुत ही सीरियस हैं इस रिश्ते को लेकर। व्यूअर्स, आप इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हैं, तो आप सीरियस प्रपोजल देते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको ये देते हैं, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स देते हैं, यानी फ्लर्टेशियस एनर्जी, मतलब आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट करते हैं। इससे आप पहले तो इम्प्रेस होते थे, उनके फ्लर्ट करने से आप पहले तो इम्प्रेस होते थे, ठीक है, पहले आपको बहुत मजा आता था इनके फ्लर्ट करने पर, आपको अच्छा भी लगता था,
जब वो फ्लर्ट करते थे आपके साथ लॉटी होते हैं तो आपको ये आज भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, अब आप सीरियस हो गए हैं इस रिश्ते में, आप फ्लर्ट नहीं चाहते, अब आप रियलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, सच्चाई चाहते हैं, फ्लर्ट नहीं चाहते हैं, हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है या नहीं आपने ऐसा सोचा है, लेकिन आपके पर्सन ने आपको कब ऑफर की है, मतलब नॉन सीरियस एनर्जी ऑफर की है, आपको झूठे वादे किए हैं, झूठे प्रपोजल्स किए हैं, जिसमें उन्होंने आपको ऐसा बोला कि शादी मैं नहीं कर सकता, इतना आगे का मैं नहीं सोच सकता, कमिटमेंट भी नहीं दे सकता, इतना मैं नहीं आपको प्रॉमिस कर सकता, क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने काफ़ी आपको एक्सक्यूजेस दिए हैं, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को सीरियस बनाने से, आपको कमिटमेंट देने से मना किया है। फ्रेंड्स आप यह देख लेना, आपको बहाने मारते होंगे, मुझे फाइनेंस का प्रॉब्लम है, मुझे फैमिली के इश्यूज हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, ऐसा बोलते होंगे वो आपको, ठीक है गाइज, मतलब बहाने मारना आप तो सब जानते हैं। और आपको क्या ऑफर किया है, आपको ये तो बोला है कि ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है, हम एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एडवेंचर करेंगे, हम बातें करेंगे, लेकिन आपको सीरियस कमिटमेंट नहीं दिया है, तो यानी कि आपको उन्होंने सेकेंडरी ऑप्शन बना के रखा है, ऑप्शंस की तरह समझते हैं आपको, वो भी सेकेंडरी, गाड़ी की स्टेपनी बना के रख दिया है। अगर आप समझ पाए तो मेरी बात का मतलब कि आपके साथ मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आपके साथ फुल ऑन मस्ती करनी है, लेकिन जब बात आती है सिंसियरिटी की, कमिटमेंट की, लॉयल्टी की, वादे निभाने की, शादी करने की, कमिटमेंट करने की, स्ट्रॉन्ग प्रपोजल रखने की, तो फिर वो नहीं होता उनसे, क्योंकि ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टेशियस है, ओके, नॉटी एंड एन्जॉयमेंट वाली एनर्जी है, यह सीरियस एनर्जी नहीं है, इसलिए उन्होंने आपका वाला कप रिजेक्ट किया है, ठुकरा दिया है, क्योंकि जो आप ऑफर लेकर आए थे वो उनके मतलब का नहीं था, समझे। तो आपको ये बात व्यूअर्स हर्ट करी, आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है मुझे दे रहे हैं धोखा, 7 of Swords, ये मुझे बना रहे हैं बेवकूफ, और मैं बेवकूफ बन चुकी हूँ, यस आई एम स्टूपिड एंड फूल, ऐसा आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि मुझे बेवकूफ बनाया गया है यहाँ पर, और वो आपसे कह रहे हैं कि मैंने आपको कभी बेवकूफ़ नहीं बनाया है, लेकिन मैंने आपको सीरियस कमिटमेंट भी नहीं दिया है, क्या मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे शादी करूँगा, या फिर मैंने कहा था तो क्या फिर मैं कोई आपको सीरियस कमिटमेंट का बोला था आपको, इसके बाद मतलब आपको वो बोल रहे हैं कि क्या मैंने तुम्हें शादी का झांसा दिया था, क्या मैंने तुझे तुम्हें सीरियस कमिटमेंट दिया था, क्या मैंने तुम्हें कुछ ऐसा बोला था शादी को लेकर, यानी कि आपको मना कर दिया है, ठीक है। या कुछ लोगों से को बोल दिया होगा कि मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा, लेकिन अभी मेरे को फैमिली में इश्यूज हैं, मेरे फैमिली वाले कंट्रोलिंग है, मेरी प्रॉब्लम ये है वो है करके आपको रोक रखा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप उनके बारे में इतना इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ इस तरीके का छलावा किया है, इस तरह का छल किया है, यानी कि धोखा किया है आपके साथ, प्रपंच रचा है आपके लिए, इसीलिए आपको ना इन पर गुस्सा भी आ रहा है, जिस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, क्योंकि वो आपको जितना स्लो ऑफर दे रहे हैं, इतना वीक, इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि कोई ऑफर नहीं है, वो बकवास बात है, इस तरीके के आपको ऑफर दे रहे हैं वो कि सीरियसनेस नहीं होगी, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी नहीं होगा, कोई लॉयल्टी नहीं है, तो आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं, क्या तो मैं आपकी उनसे कॉन्फ्लिक्ट होने की बहुत संभावना है, आप उनके लिए ऐसा सोच रहे हैं, काफ़ी अपनी ना एंगर वाली एनर्जी हो सकती है आपकी उनके लिए, या आपको उन पर गुस्सा बहुत आ रहा है, हो सकता है कि आपको खुद पर भी गुस्सा आ रहा हो कि मैं ऐसी बेवकूफ़ क्यों बन गई, मैंने दिमाग क्यों नहीं चलाया, निरंतर इस बात पर चिंतन कर रहे हैं आप, मुझे किसी ने बेवकूफ़ कैसे बना दिया, मैं इस इंसान का क्या करूं, इसने ऐसा कैसे किया,
आपके दिमाग में ये बातें चल रही हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रिश्ते में हो सकता है 5 महीनों से, 5 हफ्ते से, 5 साल से, या कुछ 5 समथिंग से शुरू हुआ है, यू नो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई होंगी, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट ऑफर नहीं किया, इसीलिए आपका हो गया दिमाग खराब और अभी आप बहुत गुस्से में हैं। सच बोल रही हूँ ना मैं, क्या करूँ, ये रीडिंग ही ऐसी है। ओके, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो ये कंप्लीटली ऑपोजिट है एक दूसरे के, ये दोनों एनर्जी एक दूसरे के ऑपोजिट है, 6 ऑफ कप्स 4 ऑफ कप्स। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, ये वो ऑफर है 6 ऑफ कप्स जो आप उनको दे रहे हैं, ठीक है, जो आप उनको दे रहे हैं, जो ये सोलमेट वाला ऑफर है, इसमें आप अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिस इज अ जेन्युइन ऑफर, और ये बताता है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, आप सोलमेट हो सकते हैं, विच योर पर्सन इज नॉट रियलाइजिंग, और फोर ऑफ कप्स इसलिए कि वो आपका ऑफर रिजेक्ट कर रहे हैं, वो आपका प्यार ठुकरा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रपोजल नहीं देना चाहते हैं, शादी नहीं करना चाहते हैं, बस मौज मस्ती के लिए आपको रखा हुआ है सेकेंडरी ऑप्शन की तरह, चॉइसेस में हैं आप, सेकेंडरी ऑप्शंस हैं आप, बट दे आर रेडी टू हैव फन विद यू। देखा, स्ट्रॉन्ग प्रपोजल तो रखना ही नहीं चाहते और फन करना चाहते हैं आपके साथ, दाल में कुछ काला है गाइज। अभी गाइज आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं, ऐसा लग रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, आप अभी कुछ रहेंगे पेन में, थोड़ा सहिए इस बात को, कुछ नहीं कर सकते, और हीलिंग स्टार्ट करिए, अपनी हीलिंग स्टार्ट करिए, ठीक है, जो आपका डार्क फेज है उसको पास ऑन कीजिए, और फिर उसके बाद टेम्परेंस का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है आपका, थोड़ा सा तो सहना ही पड़ेगा ऐसे इंसान के साथ जो आप रहे, जो मतलब ही है, जिसने आपका फायदा उठाया, जो फन के लिए रहना चाहता है बस आपके साथ, सेकेंडरी ऑप्शंस के साथ रहना चाहता है, सेकेंडरी ऑप्शन समझता है आपको, तो ये तो अच्छी बात नहीं है कोई, तो आप हीलिंग करिए, फिर आप देखिए कितना चमत्कार होगा, हो सकता है वो इंसान आपके पास अपने आप ही आ जाए, सीरियस हो जाए, क्योंकि आप अपनी तरफ ध्यान देंगे, सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की छोटी सी रीडिंग, होप आपको अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय करी होगी, लाइक सब्सक्राइब ऑल बटन, बेल बटन का दबा दीजिए बटन, जो लोग नए हैं वो भी दबा दीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करवा लीजिए, बहुत डिस्काउंट दिया है मैंने, और समस्याओं का समाधान कीजिए, बाकी मैं और क्या कह सकती हूँ, पुरानी वीडियोज़ भी देखिए थर्ड पार्टी रिलेटेड, और स्किप मत किया कीजिए मेरे वीडियोज़ को, बस यही कुछ कहना था मुझे, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, अपना ध्यान रखिए, आई लव यू ऑल, टेक केयर।